भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता दुबाक के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने असेंबली मीडिया पॉइंट के बाहर के हिस्से में खड़े होकर ये कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच ने जो जजमेंट दिया उसका हम समर्थन करते हुए जो एमएलए का पोचिंग केस को सीबीआई के जरिए जांच करवाने के अहकाम को हम खुश आमदीद करते हैं। स्टेट पुलिस को कंट्रोल में रख कर टीआरएस गवर्नमेंट बीजेपी पर झूठे इल्जामात लगाते हुए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और चार नए बिल्डिंग्स को तामीर करवा कर तेलंगाना के डेवलपमेंट के बुलंद बांग दावे करना गलत है। हैदराबाद से हटकर तेलंगाना के रूरल एरियाज में भी झांकना जरूरी है कि वहां पर भी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। आइए सुनते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। आज तेलंगाना हाईकोर्ट में डिवीज़न बेंच जो जजमेंट दिया, इसके पहले जो सिंगल बेंच का जज जो दिया उसको समर्थन करते हुए जो एमएलएस का पोचिंग केस है वो पोचिंग केस सीबीआई को देवे बोल के आज हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच जो जजमेंट दिया उसको हम स्वागत कर रहा। हम पहले दिन से वही बोल रहा, स्टेट पुलिस को कंट्रोल में रखे। तेलंगाना पुलिस भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये केस ला के हमारा कुछ जो आदमी को दिल्ली में रहता, जो आदमी को इस केस से कुछ रिलेशन ही नहीं है, उन लोगों का नाम लेके मीडिया में हमारे को बदनाम करने का जो कोशिश कर रहा वो गलत है बोल के हम पहले से आर्गुमेंट कर रहा। और जो भी अक्यूजर बना के पुलिस वाले ने चार्जशीट डालने के लिए कोशिश किया वो लोगों का प्ली भी वही था। सीएम का इन्फ्लुएंस में तेलंगाना पुलिस हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे बोल के जो आर्गुमेंट किया वो आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया, उसी लिए उन लोग सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस को जारी किया, हम उसको वेलकम कर रहे हैं। बजट के बारे में क्या ख्याल? बजट पूरा 2023 लास्ट में आने वाला इलेक्शंस को नज़र में रखते हुए बनाए सो बजट है। लोग पूरा निराशा से है, लोग पूरा नाराज से है इस गवर्नमेंट के ऊपर। इन लोग जो है ज़मीन बेच रहा, मगर उन लोग जो एक्सपेक्टेशन है जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जिन लोग निरुद्योग वृत्ति बोल के देते बोल के बोला था उसके बारे में कुछ भी नहीं है। जो लोगों को घर नहीं है, 100 गज है तो तुम्हारे को घर बनाने के लिए 5 लाख देते बोल के बोला था उसके बारे में भी बजट में एलोकेशंस नहीं दिख रहा। ऐसा जो गरीब लोग है उन लोगों के डे टू डे वर्क के लिए जो पैसे होना था वो पैसों के लिए बजट में कुछ भी नहीं दिख रहा। खाली 4 नया बिल्डिंग बनाया हम लोग, एक कमांड कंट्रोल बनाया, एक नया सेक्रेटरीट बना रहा, एक अमरवीरला स्तूपम बोल के एक नया बना रहे और एक अंबेडकर स्टैचू बना रहे। ऐसा 4 नया बिल्डिंग बना के नया नया ग्लास लगा के उसमें चश्मा लगा के देखे तो ये तेलंगाना का डेवलपमेंट नहीं होता। तेलंगाना बोले तो केवल भाग्यनगर नहीं होता है, तेलंगाना बोले तो रूरल में आके देखना है। रूरल का लोगों का दिल में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, अनएम्प्लॉयड यूथ में क्या है वो देखो बोल के हम लोग गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहा। मगर उन लोगों का दिमाग हमेशा भी थर्ड टाइम कैसा जीतना, एमएलएस को कैसा कंट्रोल करना, पुलिस को कैसा कंट्रोल करना, हम जो बोलते हैं वो सुनने वाले को इस दुनिया में रखना, जो नहीं सुनते उन लोगों को जेल में भी जाना बोल के उन लोगों का दिल है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2023 में उन लोगों को लोग जवाब देंगे बोल के हमारा ये है।